गाइस, ये वीडियो मैं कभी भी अपने चैनल पे जो है रिकॉर्ड करके नहीं अपलोड करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि यार क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल की एक फैमिली हो और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक सही ट्रैक दिखाऊं, बिकॉज मैं खुद भी आईटी इंडस्ट्री के अंदर पिछले 18 साल से भी ज्यादा हो गए काम करते हुए, तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत इन एंड आउट पता है, राइट। लेकिन आज की डेट में जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और उसके चलते जो है उनके साथ में बहुत बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि क्या है और कैसे आप लोगों को ऐसे बचना है, तो लेट मी शेयर दैट। सो गाइस, बड़ा ध्यान से सुनना है। आज की डेट में मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं बिकॉज मैं भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं अपने टीजीएम अकेडमी के बैनर के तहत, तो बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरी टीम को कॉल करते हैं कि आप हमें कोर्स करा देंगे, तो हम बोलते हैं कि यस कोर्स करा देंगे, क्या सर आप हमें प्लेसमेंट दिला देंगे क्या। सो गाइस, यहां पे प्लेसमेंट का वर्ड आते से ना तो थोड़ा सा मैं गाइड कर देते हैं, हम मैंने अपनी टीम को भी बोल के रखा है प्रॉपर तरीके से गाइड करें, लेकिन बहुत लोग जो है इसमें बोलते हैं कि सर ये कोई इंस्टीट्यूट है जो 100% प्लेसमेंट करवा रहा है, वो कोई एक इंस्टीट्यूट है जो 100% प्लेसमेंट करवा रहा है। गाइस ये गलत है, राइट, कि आपको जो है अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ये बोल दे कि 100% प्लेसमेंट आपकी करवा दी जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, राइट, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। अब ये आप खुद एक मौका दे रहे हो अपने आप को स्कैम करवाने का, क्यों, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ऐसे बैठे हैं जो यही चाहते हैं कि 100% प्लेसमेंट के नाम पे बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ में और उनके कोर्सेज को कर लेते हैं। डेफिनेटली उनका काम जो है वो सिर्फ फोकस एक ही है कि यहां पर वो सेल करें अपने कोर्सेज को, कोर्स को सेल कर रहे हैं, लेकिन आप जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो प्लेसमेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा सकती। इसके पीछे मैं उनकी गलती नहीं मानूंगा बिकॉज गलती हमारी है जो हम लोग पूछते हैं प्लेसमेंट के बारे में। मैं आपको यहां पे कुछ रीजन बताता हूं। पहला जो सबसे बड़ा रीजन ये है, आप मुझे ये बताइए, आप खुद एक अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मेरे इंस्टीट्यूट में मैं बोलूं कि 100% मैं आपको प्लेसमेंट दे दूंगा और मैंने ऐसा बोलकर अगर एक सीसीएनए का कोर्स आप लोगों को सेल कर दिया, और माइट बी ऐसा बोलने पे मेरे पास एक बैच के अंदर हो सकता है 500 स्टूडेंट आ जाए, हो सकता है 1000 स्टूडेंट आ जाए। अब आप लोग खुद एक अंदाजा लगा के देखो कि अगर बीइंग अ टीचर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं आपको, राइट, अगर ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरे लिए इतना पॉसिबल है कि एक एक घंटे की क्लास के अंदर मैं 1000 लोगों को पूरा फोकस कर पाऊं? नहीं कर सकता फोकस, राइट, या बहुत 5000 या 1000 तो बहुत दूर की बात है, 100 स्टूडेंट्स को भी एक इंडिविजुअल पे फोकस करना, हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करना ये पॉसिबल नहीं है, राइट, तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हैं और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पिछले 2-3 साल से हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, तो यहां पर जो है जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन में एनरोल करते हैं तो उनमें से 80% स्टूडेंट, 80-85% स्टूडेंट जो है मैक्सिमम क्लासेस को ज्वाइन नहीं करते बिकॉज वी प्रोवाइड अ फैसिलिटी कॉल्ड लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। तो वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको देख के सीख लेंगे। तो क्या उनका नॉलेज इस लेवल पे अब आ चुका है क्या? अगर उनके डाउट है वो पूछते नहीं क्योंकि लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं। तो गाइस मेरा सिंपल सा ये सवाल है आप लोगों से कि यार ये जो पूछते हो ना आप लोग की 100% प्लेसमेंट है, ऐसे स्कैम आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा दे देंगे आपको। डू नॉट आस्क एनी इंस्टीट्यूट कि मुझे आप 100% प्लेसमेंट दोगे कि नहीं दोगे। सिंपल सी बात है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं ये भी एक जैसी नहीं है, ये भी अलग अलग है, इनका भी जो है लेंथ अलग अलग है, तो हर स्टूडेंट की अपनी एक लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। माइट बी एक इंस्टीट्यूट अगर बोले कि आपको प्लेसमेंट करवा देंगे तो माइट बी वो जो है आपको जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे एक्सीलेंट हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने पिकअप कर लिया, तो माइट बी उनका प्लेसमेंट वो करवाया जा सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट एट पार नहीं होता है और हर किसी को प्लेसमेंट देना पॉसिबल भी नहीं होता है, राइट। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर वाकई आप लोग करियर को लेके अगर इतने ज्यादा आप अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे जाएं जहां पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, जहां से आपको नॉलेज, आपको जो है 100% नॉलेज की भी कोई गारंटी नहीं होती, आप कोई भी नहीं दे सकता 100% नॉलेज,
लेकिन आपको एक अच्छा नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, सो दैट कि आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो। अगर आपको पूछना है इंस्टीट्यूट से, प्लेसमेंट ना पूछें। अगर आपको पूछना है तो उनसे सवाल आपका दूसरा होना चाहिए। सवाल क्या होना चाहिए कि क्या सर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी कोई ऐसी टीम है जो मुझे करियर गाइडेंस दे सके कि मुझे अपना रेज्यूमे में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, किस तरह से मैं अपनी कंपनीज को अप्रोच करूंगा अपनी इंटरव्यूज के लिए, सीवी सेंड करने के लिए, किस तरह से इंटरव्यू क्रैक करूंगा, क्या मेरा उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपसे अगर एक्सरसाइज पूछी जाए, अगर आप इंस्टीट्यूट को ये क्वेश्चन करेंगे, अगर वो बोले कि 100% आपको ये करवाएंगे, तो 100% तो ये भी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि माइट भी वो प्रोवाइड कर दें और आप नहीं ज्वाइन कर सकें, राइट? 100% कुछ भी नहीं होता है, राइट? अगर 100% होता तो डेफिनेटली हर कोई आज की डेट में हर कोई जो है एक्सीलेंट होता, राइट? हर किसी के पास में जॉब होती, हर इंस्टीट्यूट जो है हर चीज की, हर प्रॉब्लम की, हर समस्या का समाधान कर सकता था। लेकिन यहां पर मैं सवाल यही पूछना है आपको इंस्टीट्यूट को कॉल करके कि क्या वो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे, क्या क्या वो आपको करियर गाइडेंस देंगे क्या? डेफिनेटली मेरी टीम में से कोई भी नहीं बोलता है कि 100% हम आपको प्लेसमेंट देंगे। वी डू नॉट प्रोवाइड प्लेसमेंट। हम लोग सिर्फ आप लोगों को नॉलेज देते हैं। नॉलेज देने के बाद जितना नॉलेज हम रियल एनवायरमेंट पे दे सकते हैं, रियल सिनेरियो बेस पे देना दे सकते हैं, उतनी हम कोशिश करते हैं। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि अब मुझे कैसे अप्लाई करना है, वो मेरी वीकनेसेस हैं, मुझे उसमें स्ट्रांग किया जाए, सो डेफिनेटली वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर दैट, जिसके अंदर हम ये चीजें सिखाते हैं कि आपका सीवी किस तरह से होना चाहिए, क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, आपका कवरिंग लेटर कैसा होना चाहिए, कितना कवरिंग लेटर के अंदर आपको जो है वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना है, आपका जो रेज्यूमे है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जब आपके पास में कॉल आएगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैसी तैयारी करनी है, तैयारी करने के बाद जब आप वहां पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहां पे आपको जाकर आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, आपको आंसर क्या करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सुनना है, हम ये सारी चीजें रेडी करवा सकते हैं, राइट? तो गाइज मैं वापस ये बोलूंगा, जो लोग ये पूछते हैं कॉल करके कि क्या आप प्लेसमेंट देंगे, एक हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से, किसी ना किसी दिन आपके साथ में स्कैम हो जाएगा। स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन पे आप लोगों को फ्रॉड करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ में कोई भी फ्रॉड हो, तो आप अपने नॉलेज को एनहेंस करें, अपना एक नॉलेज एक ऐसे लेवल पे लेके जाएं। और सिंपल सी एक स्ट्रेटजी होती है जिसको कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आपका नॉलेज होगा, आप उसको दिखाओगे, और दिखाना कैसे है ये हम बताएंगे, राइट? मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दिखना कैसे है ये हम बताएंगे। हम पूरा गाइड कर सकते हैं आपको, लेकिन फिर भी मेहनत तो आपको करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब तो आपको करनी है, राइट? इंटरव्यू क्रैक तो आपको करना है। तो इसीलिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहो, कहीं आपके साथ में कोई स्कैम ना हो जाए, इससे थोड़ा सा अवेयरनेस रहो। हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं क्योंकि हम गलत क्वेश्चन जो है वो रेज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस यहां पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ऐसे अगर आपको नॉलेज करना गेन करना है तो डेफिनेटली नॉलेज पूछो, ठीक है? प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको डिसाइड करना है। आप खुद को जॉब दिला सकते हो, कोई दूसरा आपको जॉब नहीं दिला सकता। माइट भी जैसे हम लोग करते हैं, अगर बहुत सारी कंपनीज हैं हमें अपने जो क्राइटेरियाज हैं उसको फॉरवर्ड करती है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को जब भी हमारे पास में कोई कंपनी अपनी जॉब प्लेसमेंट जो भी जो उनके पास में वैकेंसी अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो हम हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर देते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, राइट? आपको पसंद आती है वो लोकेशन और वो जॉब तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, उसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है जी? सो वंस अगेन गाइस, आपको एक ही रिमाइंडर, डू नॉट आस्क फॉर प्लेसमेंट, राइट? अदरवाइज आपके साथ में कभी भी स्कैम हो सकता है।
चलिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको ये अवेयरनेस देना, अब आपको वापस फिर कॉल करके यही क्वेश्चन करना है, दैट इज प्योरली अप टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।